सीमेंट देंगे और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे बिहार में फैलेंगे। अच्छा मिल रहा है इसीलिए मतलब पेट भर जाएगा बिजनेस मॉडल को क्यों नहीं, और ये पूरे बिहार में आप देखोगे कहीं नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुरेखा पाठक। हां जी गाइस, अभी आप देख सकते हो अभी मैं कहां पे हूं। सो मैं अभी आ चुकी हूं पाटलिपुत्र स्टेडियम के गेट नंबर 1 के पास। मुझे दिख चुका एक पूरा कस्टमाइज किया हुआ साइकिल जहाँ पे ना इडली बेचा जा रहा है। जी हाँ, ऐसे नॉर्मली ना आपको पटना में इस तरीके से इडली बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। बस आपको 10 या 15 दिन से ना ये इस तरीके से दिख रहा होगा आपको इडली मेल करके। हर एरिया में नहीं बोल सकती हूँ मैं, बस 3-4 एरिया में मैं अभी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो आगे जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्या है, इसमें क्या कैसे करके मिलता है आपको। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, सबसे पहले मैं प्राइस इसलिए आपको बोले हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज में आपको इडली यहाँ पे मिलने वाली है। जी हाँ, तो चलिए अब ना मैं आपको इनके ऑनर से बातचीत करवाती हूँ और सारी चीजें डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ क्योंकि पटना में ये चीज ना बहुत ही ज्यादा यूनिक है इस वजह से। हाँ जी गाइस, ये रही हमारी ऑनर इडली मेल की। नमस्ते मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? अनिता पारिक। हाँ, तो इसके बारे में ना थोड़ा सा डिटेल्स बताइए और सब कुछ दिखाइए हमारे सब्सक्राइबर को कि कैसे क्या मिलता है, हाइजेनिक तरीके से मिलता भी है या नहीं। हाँ जी, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसमें ये हमारा कंटेनर है। ठीक है, तो इसमें हमारी इडली बिल्कुल फ्रेश रहती है। ठीक है, ये पूरा साइकिल हमने कस्टमाइज कराया है। अच्छा। और ये हमारा कूल बॉक्स है। ठीक है, इसमें हमारा 2 चटनी है, एक कोकोनट की चटनी है ये वाली, और एक हमारी रेड चटनी है, ये थोड़ी तीखी होती है। अच्छा। ये हमने स्पेशली यहाँ के लिए, जो यहाँ के लोग क्या स्पाइसी थोड़ा पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए हमने ये थोड़ा प्रिपेयर किया है। इसको खोल के थोड़ा सा दिखाइए। हाँ जी, ये हमारी इडली है, बिल्कुल फ्रेश है। और इसके साथ हमारा गन पाउडर है। ठीक है, ये हमारा गन पाउडर है, ये दोनों इडली के ऊपर जब सारी चटनियाँ मिला के फिर हम लोग गन पाउडर उसमें डालते हैं ताकि टेस्टी लगे और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ना आपको यहाँ पे सर्व किया जाता है। हमारा मैम, हमने डस्टबिन यहाँ पे रखा है ताकि आप कुछ भी यहाँ पे गंदगी नहीं फैले सकते, लोग आए और यहाँ पे डस्टबिन में डालेंगे। तो पूरा भी सेटअप है ना हमारा, ये साइकिल पे बेस्ड है। ठीक है, और ये इजिली मूवेबल है, कहीं भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कार्ट वगैरह करने जाओ तो वो क्या स्पेस लेता है, बहुत दिक्कत लेता है, तो इसीलिए हमने ये मॉडल रेडी किया। सोचा कि नहीं तो ये साइकिल में हमारा बिजनेस मॉडल को क्यों नहीं, और ये पूरे बिहार में आप देखोगे कहीं नहीं, कहीं है, नहीं है। और बताइए मैम कहाँ कहाँ पे कि आपका साइकिल लग रहा है अभी? अभी हमारा एरिया अभी 5 है यहाँ पे। एक तो आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र स्टेडियम, एक है महाराणा प्रताप दिनकर गोलंबर के पास, और एक है राजेंद्र नगर, और एक है कंकड़बाग एरिया, और सचिवालय, और बोरिंग रोड, दानापुर, वो सब सारा जगह अब हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इडली इडली ही मिलेगा या फिर और कुछ आगे ऐड किया जाएगा? सोच रहे हैं मैम, इसके साथ अगर जैसा रिस्पांस मिल रहा है तो इसके साथ सांभर भी लाएंगे, और नारियल की एक सूखी बर्फी जो मिठाई होती है वो सोचा है हमने। 2-3 प्रोडक्ट है जो आगे भी, ऐसा है कि हम लोग 20 से 25 से 30 साइकिल पूरे पटना में लॉन्च करने वाले हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? मैम अभी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे सारे कस्टमर्स खा रहे हैं तो अभी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। ये यूनिक आइडिया कहाँ से आया साइकिल वाला, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पटना में नहीं? आइडिया ऐसा है कि ऐसा नहीं है, हमने सोचा और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके पीछे हमारी बहुत प्लानिंग है, हम लोगों ने बैठ के, मेरे हस्बैंड है, मेरा एक भाई है जो सीए कर रहा है, तो हम लोगों ने सब ने बैठ के इस पर प्लान किया कि क्यों ना कुछ ऐसा चीज़ हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो कम स्पेस में हो, इन्वेस्टमेंट कम लगे, और हमारा जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे। तो इसी वहीं से वो साइकिल वाला आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल को ही कस्टमाइज किया जाए। तो फिर बस यहीं से फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम वीडियो बनाने आए थे और कस्टमर की भीड़ आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रीजन क्या है ये अभी इनसे जानते हैं। हाँ जी भैया, तो कैसा लग रहा है टेस्ट? टेस्ट तो अच्छा है। अच्छा है, और इडली से थोड़ा सा अलग लग रहा है या फिर सेम ही है? नहीं नहीं, थोड़ा सा अलग लग रहा है। और प्राइस कैसा लगा? 20 रुपए? 20 रुपए में तो अच्छा मिल रहा है इसीलिए। बताइए कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अब ना मैं आपको थोड़ा सा इडली टेस्ट करके बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को तो डायरेक्ट इससे मतलब है ना। ठीक है, तो मैं आपको अभी टेस्ट करके बताने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं देखते हैं टेस्ट कैसे। ठीक है, सो हमारी यम्मी यम्मी सी इडली आ चुकी है यहाँ पे, देख सकते हो। अब मैं टेस्ट करती हूँ। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना, तो टेस्ट वाइज अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है टेस्ट में। अगर आपको ये लग रहा हो कि रचना कुछ भी बोल रही है, तो आप यहाँ पे आके टेस्ट करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और इतने कम प्राइस में आपको दे सकते हो, 20 रुपये की सिर्फ आपको मिलती है यहाँ पर, और इतने बढ़िया तरीके से, पूरा हाइजेनिक तरीके से, ग्लव्स व्लव्स लगा के सब कुछ ये लोग लगा के सब करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा, तो फिलहाल मैं इडली अभी इंजॉय करती हूँ।
सो गाइस हमने तो इडली टेस्ट कर लिया एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा। आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हो टेस्ट। हाँ जी, हमारी मैम है यहाँ पे, आपने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया है, तो और भी आगे का कुछ प्लान है क्या? हाँ मैम, अभी हमारी इनसाइड और आउटसाइड फैमिली मिला के टोटल हम लोग 10 हैं, और आगे अभी हम लोगों ने 25-30 लोगों को और भी एम्प्लॉयमेंट देंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे बिहार में फैलेंगे। अच्छा, फ्रेंचाइजीज वगैरह का हम लोग अभी एम्प्लॉयमेंट बहुत देंगे, ये हमारा आगे का प्लानिंग है। और फ्रेंचाइजी मॉडल की बात कर रहे हैं तो हाँ, फ्रेंचाइजी मॉडल पे अभी हम लोग उतरे ही नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन इस पर बात होगी, आगे हम लोग इसके प्लान पे हैं। और कोई भी अगर क्वेरी है किसी को भी, तो फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। हाँ, क्वेरी के लिए ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।